बजाओ। दुलेंगी मम्मी अभी रुक जाओ अंदर जाके देखते हैं। बिल्कुल उसके साथ ही सही आते हैं, कभी देख लेना है ना। ऐसा ऊपर करके इधर देख लेना सामने भैया। आप फेस इधर है बस, ठीक है। अजरा ये छठी का बुक्का क्या? ये मेन कंटेंट है, ये कंटेंट मेरे मेन। घी के साथ नहीं लगाते ऐसे फोटो, अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है।
पहले आप आओ इधर आइए आप ये देखिए सुबह सुबह हापुड़ का चौराहा उत्तर प्रदेश का और 6:50 हो रहे हैं अभी फिलहाल। कितना भयंकर कोहरा छा रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा यार। पूरी रात निकल गई और देखो सुबह हो गई है, 6:50 हो रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, गले की आप हालत देख ही पा रहे होंगे, क्या बढ़िया हो चुकी है, नाच के चिल्ला के बढ़िया। और ऑलरेडी क्या है यार, 2-5 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, 2-5 दिन से नहीं, 2-3 दिन से, जब से मैं यहाँ पे यूपी आया था। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हाँ थोड़ा सा एलर्जी की वजह से क्या है, नोज़ में प्रॉब्लम हुई, देन थ्रॉट में, और वो प्रॉपरली क्या है, मैं घर पे हूँ नहीं अभी, तो इसलिए क्योर हो नहीं पाई, अदरवाइज़ मैं ठीक कर लेता। क्यों? क्योंकि एक ही दिन मैं ढंग से आराम करता, आराम भी नहीं करता, मेडिसिन अपनी प्रॉपरली लेता और आराम वही जो अपने रात को सोते हैं वही लेता, और आई विल बी मतलब मैं एकदम ठीक हो जाता। अभी तो क्या है, वर्ड्स कहाँ जा रहे हैं, ग्रामर कहाँ जा रही है, क्यों? क्योंकि रात भर के यार सोए नहीं है। और कल सुबह यार 5:30 उठ गया था समथिंग, क्योंकि शादी का घर था। अभी क्या है कि बुआ को हापुड़ छोड़ करके निकला हूँ, मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश बुआ को छोड़ करके निकला हूँ, क्योंकि बुआ को फूफाजी वगैरह लेने आने वाले थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो गाड़ी का दूसरा चक्कर मारने वाले थे गार्डन से, मैरिज हॉल से। तो भाभी और जो मेरा भाई है, मतलब भाभी मतलब जो नई शादी होकर आई है हमारे घर पे, वो और मेरा भाई जो है ये घर पे पहुंच चुके हैं, बाकी गाड़ियाँ पहुंच चुकी हैं और अब बाकी रस्में होंगी, तो उसके अंदर और सोने को नहीं मिलेगा यार। हाथ पैर कंधे पहले नाच नाच के टूट चुके हैं, इतनी एक्साइटमेंट में नाचे हम खुशी में कि भाई भाई की शादी है। और कोहरा दिख ही रहा होगा आपको, कितना ज़्यादा बेहतरीन कोहरा हो रहा है, मतलब एकदम धुंध। और खेतों के बीच में से चल रहा हूँ मैं, तो ठंड तो ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया हो रही है, लेकिन क्या है शादी के घर के अंदर थे तो यार नाचते कूदते हैं ना। और दूसरा अंदर हॉल था, मंडप भी आजकल क्या अंदर ही लगाते हैं, पहले है ना बाहर बाहर लगते थे कि भाई यहाँ बाहर लगा दिया, गार्डन के अंदर ही। पंडित जी हमारे जो है मंडप लगने से 1-2 घंटे पहले वहीं सो रहे थे मंडप पे, बढ़िया नींद निकाली है उन्होंने शास्त्री जी ने। तो मैंने कहा चलो ये भी बहुत बढ़िया डोज है कि पहले आप चार्ज हो जाओ बढ़िया सो सके। तो बाकी माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, जो गले की बैंड बजी हुई है उसकी वजह से अगर वॉइस का आपको इशू आ रहा हो। तो ये देखिए पानी की टंकी भी कितने मुश्किल से दिख रही है, जबकि बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है यार। ये यार गांव साइड में वैसे भी या जहाँ खेत वगैरह होते वहाँ पे धुंध जो है, कोहरा जो है वो बहुत डेंस पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या है कि आपको वैसे ही ठंडक वगैरह बहुत महसूस होती है। और मैंने यार गाड़ी के अंदर AC चला रखा है, क्यों? क्योंकि कांच जो है उस पर बार बार कोहरे की वजह से है ना दिक्कत आ रही है। गाँव का फील, गाँव का मज़ा एकदम अलग ही है यार, दिल खुश हो जाता है मतलब यहाँ पे आके। और मैं तो नेचर बड़ी पसंद करता हूँ, ठीक है। और बस घर पहुँच गया हूँ यार, घर में देखता हूँ क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं, अगर कुछ एक ग्लिम्स और आपको दिखा पाया तो दिखाऊँगा, अदरवाइज़ बस अगर सो पाया तो सोऊँगा, बाकी चीज़ें चल रही होंगी मुझे पता है, तो सोना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। अभी हाय तो कर दो, हाय 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 तो कर दो, जोर से गाओ, उधर को जाके यहां तक के रुक हमारे कान में गा रही है ये तो सब खेत।
ये भी भाभी होली में मिठाई में काम आएंगे बाद में चाय वाय पी, एक दो रसम वगैरह सुबह हुई तो दो ढाई घंटे लग गए उसके अंदर कंप्लीट होते होते। फिर देन उसके बाद में मेरा सोना हुआ 9:30 बजे, देन मैं 3 बजे उठा हूँ और उठ करके, और अभी शाम हो चुकी है, खाना वाना खाया जस्ट, तो बस अब ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। और आई होप आप लोग है ना मेरे रेगुलर व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।